हेलो एवरीवन, आज के स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल दैट बेस्ड ऑन द वर्क डन बाय बैटरी। न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय बैटरी व्हेन स्विच इज क्लोज्ड इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि तीन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जिनकी कैपेसिटी सेम है और ये स्विच है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है यहाँ पे विच इज वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू इंटू वी। यहाँ पे डेल्टा क्यू मतलब होगा चेंज इन चार्जेस और वी मतलब होता है इट इज ईएमएफ ऑफ बैटरी या फिर पोटेंशियल सप्लाइड बाय बैटरी बोल सकते हम लोग इसको। तो यहां पे ईएमएफ ऑफ बैटरी जो है वो ई गिवन है और जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर के वो सी है। तो यहां पे सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा ये डेल क्यू दैट इज चेंज इन चार्जेस। तो चेंज इन चार्जेस फाइंड करने के लिए हम लोग दो केसेस लेंगे। पहली केस व्हेन द स्विच इज ओपन, द स्विच इज ओपन। यहां पे देखो जब स्विच ओपन रहेगी तो जो भी करंट यहां से फ्लो होगा दोनों कैपेसिटर से होकर वो इस कैपेसिटर से जाएगा क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड पाथ हो जाता है। इसलिए हम लोग इसका इक्वेलेंस अभी कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि इट इज वन कैपेसिटर, इट इज अगेन वन कैपेसिटर, इट इज बैटरी हैविंग ईएमएफ ई और ये रहेगा कुछ इस टाइप से इट इज कैपेसिटर एंड इट इज कनेक्टेड लाइक दिस। क्योंकि यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है यहां से इसलिए ये पाथ ब्रेक है जो यहां पे नहीं शो किया तो भी चल जाएगा क्योंकि स्विच इस केस में ओपन है। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्योंकि सभी का कैपेसिटेंस यहाँ पे सी है और ये जो दोनों कैपेसिटर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है राइट। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट होगा 2C क्योंकि जब दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो उसकी कैपेसिटी की डायरेक्ट सम हो जाती है। ओके तो ये 2C हो जाएगा। नाउ फिर से इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस था 2C, ये ऑलरेडी सी यहां पे था और ये ईएमएफ ई। नाउ अब ये दोनों सीरीज में आ गए तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, C equivalent 1 upon C equivalent equals to 1 upon 2C plus 1 upon C। इसका एलसीएम ले लेते हैं 2C तो ये हो जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 2, सो 3/2C दैट इज 1 upon C equivalent एंड फाइनली C equivalent equals to 2C by 3। ये हो जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। नाउ मुझे फाइंड करना है चार्ज तो मैं यहां पर ले लेता हूं चार्ज Q1 is equals to CV। सी मतलब यहां पे सी इक्विवेलेंट रहेगा सो विच इज इक्वल टू 2C by 3 इंटू वी। वी इज वॉट ई एम एफ ऑफ बैटरी जो यहां पे ई दिया है हम लोग लिखेंगे ई। तो ये हो गया चार्ज व्हेन स्विच इज ओपन। नाउ सेकंड केस देखते हैं यहां पे व्हेन स्विच इज क्लोज्ड इट इज स्विच इज क्लोज्ड। तो यहां पे देखो जब स्विच क्लोज रहेगा तो जो करंट है या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो यहां से फ्लो होगा और बहुत कम वैल्यू ऑफ करंट इस कैपेसिटर से फ्लो होगा और इसलिए जो जितना भी करंट यहां से फ्लो होगा विच इज सपोज टू बी नेग्लिजिबल करंट या फिर वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट और इसलिए जब स्विच क्लोज होता है तो ये कैपेसिटर हमारे किसी भी काम पर नहीं होता है। सो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये रहेगा सी और सी देन हियर इज बैटरी हैविंग ईएमएफ ई और यहां पे हम लोग इस टाइप से या फिर मैं कैपेसिटर दिखा देता हूं और हम लोग इसको फिर यूज में नहीं लाएंगे। सो ये हो जाएगा कैपेसिटर देन स्विच यहां पे क्लोज हो चुकी है एंड नाउ इट इज कनेक्टेड। लेकिन मैंने कहा था कि जैसे यहां पे ये स्विच क्लोज हो जाएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है इस पास से फ्लो होगा और इसलिए ये कैपेसिटर हमारे किसी भी काम का नहीं है इसलिए हम लोग इसको डिस्कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहां से इसको निकाल ही देता हूं, मतलब ये नाउ दिस विल बी सर्किट, मतलब यहां पे अब पूरे के पूरे सर्किट में सिर्फ दो कैपेसिटर लगे। नाउ इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2C जैसे लास्ट टाइम हुआ था। सो फिर से Q2 is equals to C equivalent into potential which is equals to
इज टू सी इंटू ई। हमें फाइंड करना है चेंज इन चार्जेस, तो चेंज इन चार्जेस हम फाइंड कर लेते हैं। चेंज इन चार्ज इक्वल्स टू क्यू टू फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल वन, सो इट इज टू सी ई माइनस ये हो जाएगा टू सी बाय थ्री इंटू ई। तो सी ई कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा टू माइनस टू बाय थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग तो इट इज सिक्स माइनस टू दैट इज फोर बाय थ्री, सो फाइनली इट इज डेल्टा क्यू चेंज इन चार्ज इज 4 by 3 CE. And now finally, work done by battery. So therefore, work done by battery is equals to change in charge into potential is equals to 4 by 3 CE into V is a EMF of battery or potential which is what E. तो यहाँ पे E replace कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 4 by 3 CE square in joule. That is simply the work done by battery. Now, second problem देखते हैं. Second problem में same question है कि calculate the work done by battery in completely charging the capacitor. So, ये given diagram है. इसकी मदद से हमको work done by battery find करना है by using same formula जो पहले problem में हमने देखा था. यहाँ पे कोई स्विच नहीं है, फिर भी अगर हम लोग स्विच लगा भी देते हैं यहाँ पे, समझो बैटरी के जस्ट बाद में यहाँ पे स्विच लगा दिया और अगर इनिशियली अगर स्विच ओपन अगर होता है तो आपको क्लियर हो सकता है यहाँ पे कि अगर इनिशियल केस में स्विच ओपन है तो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट और इनिशियल चार्जेस यहाँ पे क्या रहेंगे जीरो। तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं पहली केस कि व्हेन स्विच is open, तो इस केस में क्या होगा इनिशियल चार्जेस इस सर्किट में से रहेंगे जीरो क्योंकि कोई भी कैपेसिटर इस बैटरी के कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा या फिर सिंपल बोल सकते हैं सर्किट में नहीं रहेगा। नाउ सेकंड केस व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब हम लोग स्विच क्लोज कर देते हैं यहां पे इस टाइप से, समझो यही मैं चेंजेस कर देता हूं कि स्विच अगर मैंने क्लोज कर दिया है तो ये दोनों के दोनों कैपेसिटर सर्किट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले काम है कि ये मुझे इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। देखने से समझ में आता है कि ये दोनों जो कैपेसिटर्स है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इसलिए इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C प्लस C बाय टू विच इज इक्वल्स टू थ्री बाय टू सी। और इसलिए तो सेकंड चार्ज रहेंगे, सेकंड केस में जो चार्जेस आएंगे दैट इज सी इक्विवेलेंट इन टू वी विच इज इक्वल्स टू ये रहेगा 3 by 2 into C into V. ये होगे second charges. Now, therefore, मुझे find करना है change in charges which is equals to 3 by 2 CV minus 0 which is equals to 3 by 2 C into V. तो ये हो जाते हैं change in charge. Right? Now, work done by battery. So, work done by battery इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे चेंज इन चार्ज इन टू वी। सो चेंज इन चार्ज इज 3 बाय 2 सी इन टू वी दैट इज इक्वल्स टू 3 बाय 2 सी वी स्क्वायर इन जूल। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल वर्क डन बाय बैटरी पर था।